नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और वाराणसी जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां पर वो पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी करेंगे। आपको बता दें, सुबह करीब 10:30 बजे सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पीएम दोपहर को करीब 1:15 बजे वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। वो वाराणसी के लिए 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पूरे भारत की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने के संबंधी देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगी। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त भी होगी। ऐसे में बता दें कि इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विशेषकर गहन चिकित्सा सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मजबूत कमियों को दूर करना है। ये योजना विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को समर्थन प्रदान करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले देश के सभी जिले में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल एयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से गहन चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि शेष जिलों के रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर दिया जाएगा। ऐसे में देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भी ये मदद करेगा और ऐसे में सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। वाराणसी वो जाएंगे, सिद्धार्थनगर वो जाएंगे, जहां पर सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों की पूरे प्रदेश को सौगात देने के लिए जा रहे हैं।